छाया की माया। इस पृथ्वी लोक पे कितनी शांति है। मैं काया अपनी माया से इस पृथ्वी लोक की शांति को भंग कर दूंगी। फिर यहाँ अच्छाई की जगह बुराई का वर्चस्व कायम होगा। मैं यहाँ के लोगों के मन से अच्छाई का नामो निशान मिटाकर उन्हें बुरे रास्ते पे चलने पे मजबूर कर दूंगी। काया की माया। क्योंकि मेरे पास है काली शक्तियों की जादुई माया। उसके बाद बनेगी ये दुनिया मेरी गुलाम। प्यारी परी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ काया, मैं अब जहाँ बुराई हो वहाँ तो अच्छाई को आना ही पड़ता है ना, बुराई का विनाश करने। देखो प्यारी परी, तुम मेरे काम में अपनी टांग मत अड़ाओ। ये मेरे लिए भी अच्छा होगा और तुम्हारे लिए भी। काया, मुझे यहाँ पर आने के लिए तुमने ही मजबूर किया है। तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी खुद की दुनिया है, तुम वहाँ रहो ना। लेकिन तुमने इंसानों की दुनिया में आकर उन्हें परेशान करने की कोशिश की है, जिसका हक तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। प्यारी परी, ये मेरे और इंसानों के बीच की बात है। ये तुम्हारा परीलोक नहीं है जो तुम यहाँ भी दखल देने चली आई हो। तुम शायद ये भूल रही हो कि तुम्हारी परीलोक की राजमाता ने ही ये तय किया था कि तुम और मैं एक दूसरे के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। काया, शायद तुम भी ये भूल रही हो कि राजमाता ने साथ ही साथ ये भी तय किया था कि तुम नर्क लोक के अलावा और कहीं भी नहीं जा सकती। अगर तुमने परी लोक या फिर पृथ्वी लोक के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र रचने की कोशिश करी तो तुम्हारे साथ मुझे क्या सलूक करना है, इसका भी हक मुझे राजमाता से मिला हुआ है, जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ और जिसकी मुझे पूरी छूट है। बस करो प्यारी परी, मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ कि तुमने किस तरीके से मुझे वर्षों के लिए नर्क लोक में कैद कर दिया था। लेकिन अब मैं वो कमजोर काया नहीं रह गई हूँ। मैंने अपनी शक्तियों को हजार गुना कर लिया है। अब तुम मुझे नहीं हरा पाओगी। किसी गलत फहमी में मत रहना प्यारी परी, मैंने इस पृथ्वी लोक को अपना गुलाम बनाने के लिए नर्क लोक में हजारों वर्षों तक तपस्या की है और इन काली शक्तियों को हासिल किया। तो फिर आ जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। देखते हैं कि तुमने हजारों वर्षों तक कितनी शक्तियां हासिल की हैं। देखते हैं कि तुम्हारी बुराई की जीत होती है या फिर मेरी अच्छाई की। इस प्यारी परी ने तो मुझे युद्ध के लिए ललकार दिया है। मेरे पास भले ही हजारों सालों की काली जादुई शक्तियां हो, मगर बुराई अच्छाई के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती, हारी जाती है। मुझे इसको हराने के लिए अपना शैतानी दिमाग लगाकर कोई शैतानी चाल चलनी पड़ेगी। क्या हुआ काया, डर गई? प्यारी परी, हमें इन इंसानों से ही पता कर लेना चाहिए कि ये अच्छाई चाहते हैं या बुराई। इसका फैसला करने वाले हम कोई नहीं होते। मतलब ये कि ये इंसान अच्छाई चाहते हैं या बुराई, ये बात हमें इन इंसानों से ही पता कर लेनी चाहिए। इंसान जिसको चुनेंगे वो यहाँ रहेगा और जो हारेगा वो अपने लोक वापस चला जाएगा। क्या हुआ प्यारी परी, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि इंसान बुराई को चुनेगा और तुम्हारी हार हो जाएगी और तुम्हें अपने परी लोक वापस जाना पड़ेगा? डर उनको लगता है काया जो गलत और बुराई का साथ देते हैं,
मैं तो बस ये सोच रही थी कि कहीं तुम्हारे इसमें कोई नई चाल तो नहीं। भला इसमें कैसी चाल प्यारी परी, ये फैसला तो इंसान करेंगे। ठीक है, तो फिर इंसानों के लिए मुझे तुम्हारी ये चुनौती भी मंजूर है। तो चलो फिर, अभी अभी हमारे बीच से जो पृथ्वी लोकवासी गई है, आज अपने पूरे दिन में वो कितने अच्छे काम करेगी और कितने बुरे, उसी के अनुसार फैसला होगा। अच्छे कामों का फल तुम्हारे हिस्से में आएगा और बुरे कामों का फल मेरे हिस्से में। काया की माया। ठीक है काया, मुझे इंसानों पे पूरा भरोसा है कि वो हमेशा की तरह सच्चाई और अच्छाई को ही चुनेंगे। बेवकूफ। यार सिब्बू सॉरी यार, अब नहीं करूंगा यार, प्लीज हेल्प कर दे, मुझे बहुत ज्यादा लग गई है यार, उठा भी नहीं जा रहा। अच्छा मैं क्यों हेल्प कर दूं, एक बार मैं भी तो गिर गई थी स्कूल में, क्या तब तूने मेरी हेल्प करी थी? नहीं ना, ऊपर से उन अपने पागल दोस्तों के साथ और मेरे ऊपर हंस रहा था, तो मैं क्यों करूं हेल्प, पागल कहीं का, चल हट मेंटल। अरे सिब्बू यार, वैसे ना मुझे ऋतिक की हेल्प कर देनी चाहिए थी, बेचारे को कितनी ज्यादा चोट लगी थी। अगर मैं भी उसी की तरह बिहेव करूंगी तो उसमें और मुझमें फर्क ही क्या रह जाएगा। और वैसे भी उसने मुझे सॉरी बोल तो दिया था, उसकी हेल्प कर देती हूँ। रुक जा। ठीक है तू? हाँ यार टिप्पू, थैंक यू, सॉरी फॉर माय रूड बिहेवियर। देख मैंने आज तो तेरी हेल्प कर दिया है, पर आगे से तू भी मुझसे स्कूल में अच्छे से बिहेव करेगा। हाँ हाँ सिब्बू बिल्कुल, मैं तेरे से ना स्कूल में बहुत अच्छे से बिहेव करूंगा, और ना सॉरी। कोई बात नहीं, जा। We'll be right back.
खुशबू, बेटे क्या तरीका है तेरा? स्कूल बैग तूने सोफे पर उल्टा फेंक रखा है, हैं? जूता तेरा टेबल पर है, टाई इधर पे फेंकी हुई है, सॉक्स उधर फेंका हुआ है, ये क्या तरीका है, हैं? बेटा तुझे कितनी बार समझाया है, स्कूल से आकर अपनी यूनिफॉर्म एक जगह पर रख दिया कर, तय लगा कर रख दिया कर, हैं? कल तो फिर मुझसे मांगेगी यही सब सामान कि मम्मी मेरी टाई कहाँ है दे दो, मेरे शूज कहाँ है, मेरे सॉक्स कहाँ है, मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? रोज रोज ये सारे सामान मुझे ढूंढने पड़ते हैं, हैं? मैं भी परेशान होती हूँ, तू भी परेशान होती है। अगर सामान सही से एक जगह पर रख देगी तो कोई परेशान नहीं होगा ना, आराम से सामान मिल जाएगा। बोल क्या यार मम्मी, मैं अभी तो स्कूल से घर आई हूँ और आते ही आप मेरे को सुनाने लग गए कि ये नहीं किया वो नहीं किया, सामान इधर फेंक दिया उधर फेंक दिया। अरे आप सारा दिन घर पे रहते हो, अगर आप थोड़ा सामान मेरा उठा के रख दोगे तो क्या चला जाएगा? ये तो बात कैसी कर रही है मुझसे? मतलब हम इसलिए तुझे स्कूल भेजते हैं कि तू अपनी मम्मी से इस तरह से बात करे, हैं? क्या गलत बात कर दी मम्मी मैंने? सही तो बोला है, बस एक बात ही तो बोली है, नॉर्मली तो बोला है, आपको इतना क्या बुरा लग गया? और मैं अभी स्कूल से धूप में चलकर थकी हुई घर पर आई हूँ, आपको दिख नहीं रहा क्या? और हाँ, अगर आपको मेरा सामान नहीं रखना तो मत रखो, मैं खुद उठा के रख लूंगी, पर आप जाओ यहाँ से, मेरा सर मत खाओ। अरे यार मम्मी तो अपसेट लग रही हैं, लगता है मम्मी को मेरी बात का बुरा लग गया, मैं भी ना पागल हूँ, कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मम्मी को सॉरी बोल देती हूँ। मम्मी सॉरी ना, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, पर पक्का प्रॉमिस, मैं ना आगे से आपसे ऐसे कभी भी बात नहीं करूँगी, पक्का। कोई बात नहीं बेटा, तूने अपनी गलती रियलाइज की ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। चल अब तू आराम कर, मैं तेरे लिए गरम गरम खाना लगाती हूँ, ठीक है? भैया एक कुरकुरे का पैकेट देना, वो वाला। अरे बेटा पैसे 10 रुपए हो गए तुम्हारे, लाओ दो। अरे भैया क्या पैसे, पैसे आप खाते में लिख लो, मैं बाद में दे जाऊंगी। नया उधारी तब मिलेगा जब पुरानी उधारी चुकाओगे, खाते में लिख लेना बोल बोल कर 1000 रुपए उधारी होगी तुम्हारी। कब दोगे पैसे, पहले ये पुराने पैसे चुकाओ फिर उसके बाद लेना कुरकुरे। नो मनी तो नो कुरकुरे। मैंने आपसे इतना ज्यादा बड़ा क्या उधार कर लिया है, एक कुरकुरे का पैकेट ही तो मांगा है ना। बोल दिया ना नो मनी तो नो कुरकुरे, पहले पिछला उधारी चुकाओ फिर नया उधारी करना, इसलिए चलो निकलो। ए लड़की। सॉरी भैया उधारी तो आप खाते में ही लिखना। अरे यार ये लड़की फिर आज उधार करके चलेगी, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी, इसके से 2-4 लोग और मिल गया ना तो मेरी दुकान ना बंद करनी पड़ जाएगी। काया की माया।
लड़के। अब थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूँ वरना मेरे मार्क्स कम आएंगे तो मैम फिर से मम्मी से शिकायत करेंगी। अरे यार कितना बोरिंग सब्जेक्ट है ये, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता पढ़ना। ये एक काम करूंगी, एग्जाम में चीटिंग कर लूंगी ना, कौन सा ये मेन एग्जाम है। थोड़ी देर अब रील्स देख लेती हूँ, बहुत कर ली पढ़ाई। अरे यार बहुत तेज भूख लगी है, क्या खाऊं। मम्मी ने एक तो दोपहर में भी टिंडे बना के खिला दिए। मम्मी मम्मी यार मम्मी भी ना सुनती नहीं है, अब खुद उठ के लेना पड़ेगा किचन से खाना। अरे यार फिर से यही टिंडे की सब्जी, मुझे नहीं खाना ये सब। हाँ एक काम करती हूँ, पिज्जा ऑर्डर करती हूँ। पर यार पैसे पैसे तो है ही नहीं मेरे पास। हाँ देखती हूँ मम्मी ने ना इधर उधर कहीं रखे होंगे, चुरा लेती हूँ। ओ बेटे 200 के दो नोट, मतलब 400 रुपए मिल गए। अब तो पिज्जा के साथ कोल्ड ड्रिंक भी मंगाऊंगी। पर एक बार मम्मी से पूछ लूं क्या पैसों के लिए। अरे छोड़ ना, अभी पूछने लगी तो खामखा हाथ आए पैसे भी चले जाएंगे। और वैसे भी इस घर की एक एक चीजों पे मेरा ही हक है, तो ऑटोमेटिकली ये पैसे तो मेरे ही है, तो क्या ही पूछना। पिज्जा ऑर्डर करती हूँ। लो भाई पिज्जा तो हो गया ऑर्डर, अब बस पिज्जा के आने का इंतजार है। वैसे पिज्जा लेने के बाद ये पैसे उसको देने पड़ेंगे क्या। मैं तो नहीं दे रही कोई पैसे वैसे, मैं उससे पिज्जा भी ले लूंगी और एक रुपए भी नहीं दूंगी, क्योंकि इन्हीं की स्कीम होती है ना, अगर आधे घंटे से एक सेकंड भी ऊपर हुआ तो पिज्जा फ्री में डिलीवर होगा। तो बस एक बार ये आ जाए 15-20 मिनट तक इसे गेट पे खड़ा रखूंगी और पिज्जा फ्री में लूंगी, पर ये पैसे बचा के रखूंगी, कल भी पिज्जा खाने के काम आएगा। अरे ये तो 10 मिनट पहले ही आ गया। कोई नहीं इसको 15 मिनट तक बाहर खड़ा रखती हूँ। कोई है? दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए। मैम आपका पिज्जा। मैडम पैसे। अरे भैया कैसे पैसे, आप पूरे 3 मिनट लेट हो, और आपकी कंपनी तो दावा करती है ना कि अगर डिलीवरी 30 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुई तो पिज्जा डिलीवरी फ्री होगी। नहीं नहीं मैम, मैं तो पिछले 15 मिनट से यहाँ पे खड़ा हूँ, आप ही गेट नहीं खोल रहे थे। अच्छा तो मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ। नहीं मैम मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप झूठ बोल रहे हो, पर मैं भी सच बोल रहा हूँ। देखो भैया ये ड्रामा ना मेरे आगे मत करो, आप लेट हो तो लेट हो, चलो निकलो यहाँ से। मैं पिछले 15 मिनट से बाहर खड़ा हूँ और बेल भी बजा रहा हूँ, कोई गेट नहीं खोल रहा। अरे मैडम प्लीज ऐसा मत करो, इसके पैसे दे दो नहीं तो मेरे सैलरी से कट जाएंगे।
प्लीज मैडम दे दो पैसे। हाँ तो ये लेट आने से पहले सोचना चाहिए था ना कि पैसे सैलरी से कटेंगे। चलो निकलो यहाँ से, कोई पैसे नहीं मिलेंगे, ये पिज्जा फ्री है। चलो प्लीज मैडम, प्लीज ऐसा मत करो, मेरे पैसे दे दो प्लीज मैडम। बस यही तो मैं चाहती हूँ कि ये इंसान बुराइयां करते जाए और मेरी शक्तियां बढ़ती जाए, तभी तो बनेंगे ये इंसान मेरे गुलाम। काया की माया। नहीं सिब्बू, तुम अच्छाई का साथ दो, नहीं तो ये पृथ्वी लोग काया की बुराई का शिकार बन जाएगा। प्यारी परी, मेरी चुनौती अब बस पूरी होने ही वाली है। ये इंसानों को तय करना था कि वो अच्छाई चुनेंगे या बुराई, और देखो दिख रहा है इंसानों ने बुराई को चुना है। काया की माया। बस प्यारी परी थोड़ी देर और मेरी चुनौती पूरी होते ही मेरी शक्तियां दुगनी हो जाएंगी और फिर पृथ्वी लोक पर काया का वर्चस्व होगा। काया की माया, जिससे कोई नहीं बच पाया। नहीं सिब्बू, तुम बुराई को नहीं चुन सकती। तुम ये क्या कर रही हो? अच्छाई बुराई के सामने कैसे कमजोर पड़ सकती है? सिब्बू, तुम्हें इस पृथ्वी लोक को बचाने में मेरा साथ देना ही पड़ेगा। तुम्हारे बिना मेरी शक्तियाँ कमजोर पड़ रही हैं। तुम्हें अच्छाई को चुनना होगा सिब्बू। काया की माया। आपको ये परी वर्सेस चुड़ैल का एपिसोड 1? तो मतलब जैसा भी लगाओ ना, मुझे नीचे कमेंट्स में फटाफट बता देना, और ये भी मुझे कमेंट्स में बता देना कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था, परी का या चुड़ैल का या फिर सिब्बू का। और यार आपको नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी ही देखने को मिलेगा, और आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो मुझे वो भी नीचे कमेंट्स में बता देना। बाय बाय, लव यू, और बहुत सारा प्यार दिखाना इस वीडियो पे, बहुत सारा सपोर्ट दिखाना। आप जितना ही सपोर्ट दिखाओगे ना, उतनी ही जल्दी मैं नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊंगी। बाय बाय, लव यू, लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना।